तकाजा है भक्त का, तकाजा है भक्त का कि तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे, संभल के रहो मित्रों। ठीक है आपकी सरकार बनी है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो लास्ट में यही मैं कहना चाहूंगा, ये बजट तो वही है, छल करोगे तो छल करो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, अगर जिंदगी जियोगे सच्चाई से सुकून हर पल मिलेगा, तो ये सुकून वाली बात नहीं है, इसलिए मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। धन्यवाद। पवन काजल जी, आपने मेरे से पूछा था कि 1500-1500 रुपए का क्या होगा, मैंने कहा हमने अपनी गारंटियां शुरू कर दी, हमने देना शुरू कर दिया। लाहौल स्पीति जिले से पहले जिले से शुरुआत हो चुकी है, पर आप ये बताइए कि 1500-1500 लाख रुपए का क्या हुआ? 10 साल हो चुके हैं, उन गारंटियों का क्या हुआ जो देश को दी गई थी? कहा गया था काला धन वापिस आएगा, हर किसी के खाते में 1500-1500 लाख रुपए डलवा दिया जाएगा, 2022 तक सभी कच्चे घर पक्के कर दिए जाएंगे। कहा गया था कि घर घर में रोजगार होगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा। कहा गया था रोजगार, 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष पूरे देश में दिया जाएगा, 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। पवन काजल जी, आप यहां बैठते थे तो ये सारी बातें आप करते थे। आज आपने बार बार बोला, आपने बोला छल करें तो छल कर, कब करें तो कब कर। भाई छल तो आपने कहीं ना कहीं किया, यहाँ पे कुछ और कहते थे, वहां कुछ और कहते हो, कल को कुछ और कहोगे, तो मुझे कहीं ना कहीं दुख होता है। इसका उत्तर आपने देना है कि 1500-1500 लाख का क्या हुआ?